दबंगों ने खड़ी गेहूं की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। मामला मिलक की भोनकपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि हमें दबंग तरह के लोग मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। धर्मवीर सन ऑफ जिया लाल ने मिलक थाने में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित का कहना है कि उन्हें थाने में बिठा लिया गया और उनकी गेहूं की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर भी चलवा दिया गया है, लेकिन दबंगों पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार पीड़ित लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित परिवार सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते परेशान है। संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। कहाँ रहते हैं? मिलक। क्या मामला हुआ आपके साथ? हमारे साथ मामला हुआ था, जो हमारे पिताजी थे, हम तीन भाई हैं, जबकि वो हमारे दो भाई जो शराबी कबाबी हैं, मारते तोड़ते हैं। पिताजी हमारे टीचर हैं, वो उन्हें आए दिन परेशानी करते हैं, तो इस कारण उन्होंने जो अपने प्लाट वगैरह ज़मीन जगह कुछ बिकवा कर उन्हें अपना हिस्सा ले चुके हैं, और पिताजी ने परेशान होकर उन्हें दे दिया। इसके बाद भी वो अलग रहने लगे, कुछ नहीं, दो साल रहते रहे। दो साल के बाद पिताजी हमारे ख़त्म हुए 10/11/2022 में, जबकि जे पिताजी हमारे जिस टाइम इनका पैसे दिया था उसी टाइम उन्होंने हमारे नाम जो वसीयत करा दी थी, वसीयत करा दी। वो इस कारण करा दी थी कि जिससे कि जो आगे को पूरी संपत्ति जो इसका हक न मारा जाए, तो ये रह जाए फिर। और जिसमें हमारी एक कुमारी बहन भी थी, तो उसका भी मतलब शादी जो हमें करनी पड़ी थी। अच्छा, आप कितने भाई हैं? हम तीन भाई हैं। तीन भाई हैं जी। तो जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं जी, वो कौन कर रहे हैं? आपके भाई कर रहे हैं? वो भाई कर रहे हैं हमारे। सगे भाई हैं जी? सगे भाई हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका एक का नाम राम रतन, दूसरे का नाम जगदीश। जगदीश जी। तो अभी मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब प्रशासन क्या चाह रहे हैं? प्रशासन ये चाह रहे हैं कि पिताजी ने हमारा नाम वसीयत की है, तो उसी के आधार में हमने कुछ करा तो है नहीं, वो मारते तोड़ते सबको ले जाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो वसीयत के आधार पर हमारा नाम उसमें एंट्री करा जाए, वो हमारी जो संपत्ति है वो हमें मिली जाए। जबकि ये जमीन पे मुकदमा भी विचाराधीन है क्या? हाँ, जो वसीयत जो दायर है उनने विरासत से अपने नाम में उन्होंने ले दिया, नेकपाल को 50,000-60,000 लेकर सब मिलजुल कर 420 से उन्होंने अपने नाम करा लिया, उन्होंने खतौनी में एंट्री करा ली, जबकि हमारी वसीयत दायर थी, मुकदमा विचाराधीन था कोर्ट में उसके बाद भी। अच्छा, तो मतलब जैसे कि जो वसीयत हुई है तो उसमें भी मतलब कि कुछ गड़बड़ की है? जी हाँ, वसीयत जो पिताजी ने कराई थी वो तो सबको सही करती, जिस कारण थोड़ा से कोई कमी हो गई होगी तो वो वकील के द्वारा हुई होगी, जिससे कि जिस गांव में हमारा रैपरे में रहते हैं और रैपरे में ही हमारी ज़मीन मकान सब भी कुछ फिलहाल करते वहीं से, मगर वो हल्का जो है भोनकपुर का पड़ता है जी, जिसका गाढ़ा संख्या जमीन के 500-511 है। हमारे तो शिकायत जी है, जब से लेकर दो साल से तहसीलदार वगैरह चूतिया बना रहे हैं सब लोग, अधिकारी जिसके पास जाते हैं कब वो एक दूसरे के ऊपर टरकाते रहते हैं, हमारा काम फिलहाल कोई नहीं कर रहा है, वो हमारे बच्चे भी परेशान है, वो हमारे भाई इतना परेशान कर रहे हैं कि पहले भी हम मार चुके हैं, अब भी हमें मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं कि जहाँ मिलोगे जान से मार देंगे, जहाँ भी हो जो कुछ हम अपनी संपत्ति ले करेंगे। अच्छा, आप अभी सामने पेश हुए थे जी, तो उन्होंने क्या दिया आपको? उन्होंने ये कहा थे, आपने सीओ साहब को कहा कल जब परसों हमारे खेत में ट्रैक्टर चला दिया था उन लोगों ने, तो हमने जाकर पुलिस वालों को रोक दिया था, भेज दिया तो वो रुक गए, तो उन्होंने बुला लिया, वो परसों रात तो आए नहीं थे क्यों, मारने के संगति में थे, इस कारण हम भी अपने दुख के रहे, अपने हिसाब से रहे। सुबह खेत में फसल खड़ी भी थी जी, खेत में हमारे गेहूँ की फसल खड़ी हुई है, और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर उसमें ले जाकर कल सुबह जब हम आए थे फैसले के लिए, तो पता चले हमें भी दरोगा जी ने पुलिस वालों ने ना भेज के उन दोनों के साथ साथ हमें भी बिठा लिया कि आप भी बैठ जाइए, हमारे पीछे उन लोगों ने वहाँ खेत पर ट्रैक्टर चला दिए जोतवा, जब हमने कहीं चेक किया हुआ तो कह रहा कोई नहीं फैसला हो जाएगा, आपको 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। मैंने 10-15 हज़ार का क्या मतलब, 40-50-60 हज़ार रुपये का नुकसान होने के बाद, मारा तोड़ी करने के बाद, पूरी बेइज्जती करने के बाद, रोटी भी नहीं खाई है तीन दिन से, हम लोग सब भूखे प्यासे ऐसी हैं, तो इससे क्या होगा? उसके बाद फैसला करके वो कह रहे तुम लिख के दो कि जमीन पर तुम नहीं जाओ, क्यों नहीं जाओगे, जमीन तो हमारी है, बस हमारे नाम है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, वो सब खाई पैसे ले रखे हैं सब, तो वो उधर की पल्ला बजा रही है। आपका क्या नाम है? बबली। आप इनकी कौन लगती है? बीवी। तो क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? ये लोग हमें सब लोग जेठ हैं हमारे दोनों, ये बहुत परेशान करते हैं, आए दिन हमें सबको मारते हैं, और मेरे पति को जेल में अगर थाने में जाते हैं तो थाने में उनको बंद कर लेते हैं,
और हम लोग बच्चे रह जाते हैं घर पे, तो हमको दोनों को सबको मार मार के भगाते हैं घर से। हम कभी उसके घर पे बैठ जाते हैं ताला मार के, कभी उधर बैठ जाते हैं, और बहुत दिनों पर और मकान के पे भी कब्जा करने के लिए कह रहे थे और हमें धमकाते रहते हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से मतलब सहायता नहीं मांगी? जी सहायता मांगी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पर भी। जी नहीं। तो अभी यहाँ पे मतलब जो बसियत में मतलब एड्रेस थोड़ा गलत डाल दिया उनके हिसाब से, उसमें क्या है? उसमें मतलब जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन मतलब जैसा मिस्टेक हो गया था। अच्छा, तो किसकी गलती मतलब मानते हैं आप लोग? गलती तो मतलब वकील की मानते हैं कि अगर वकील है, रजिस्ट्रार है, अगर खतौनी हो खतौनी पे लिखा है भोनकपुर, तो उनने ये रैपर क्यों डाला था? अच्छा, ये गाटा संख्या कहाँ की है? गाटा संख्या मतलब जो गाटा संख्या के हिसाब से जो जमीन है तुम्हारी, ये भोनकपुर में पड़ती है? जी जी, भोनकपुर में पड़ती है।